हे गाइस, हेलो एवरीवन। सो आज मैं बनाने जा रही हूँ सिर्फ 2 टीस्पून से ढेर सारी कॉफ़ी, मतलब कि आपके 4 से 5 ग्लासेस कॉफ़ी बड़ी आसानी से बन जाएंगी। तो चलिए हम प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पे डाला है 2 टीस्पून कॉफ़ी, उसके बाद 3 टीस्पून मैंने यहाँ शुगर डाला है, 4 टीस्पून मैंने वार्म वाटर डाला है, लुक वार्म होना चाहिए वाटर, तो मैंने यहाँ पे 4 टीस्पून डाला है। उसके बाद मैंने क्या किया है कि कोई भी व्हिस्कर से आप या कॉफ़ी व्हिस्कर मशीन से आप इसको अच्छी तरह से कॉफ़ी को पूरी तरह से व्हिस्क कर लो, जिसमें इसकी पूरी, ये देख सकते हो आप, पहले ये लाइट डार्क डार्क थी, उसके बाद फिर ये धीरे धीरे मीडियम हुई, उसके बाद एकदम लाइट हो गई और फ्लफी हो गई, आप इसको देख सकते हो। तो इस तरह से ये कॉफ़ी को आपको 2 मिनट ही मिक्सचर में अच्छे तरह से मिक्स करना है। आप देखो किस तरह की कंसिस्टेंसी आई है, बिल्कुल भी नीचे नहीं गिर रहा है। तो आपको इसमें बनाने में सिर्फ 2 मिनट लगेंगे। देखिए ये ग्लासेस है, मैंने पूरा भर लिया है, सिर्फ 2 टीस्पून कॉफ़ी से इतना सारा बन जाता है, आप इमेजिन भी नहीं कर पाओगे। और ये देखो कि मैंने उल्टा पुल्टा ग्लास को किया फिर भी ये गिर नहीं रहा, और आप देख सकते हो कितना ही सैटिन इसका जो टेक्सचर है वो कितना सिल्की टेक्सचर है, आप देख सकते हो। तो यहाँ पे मैंने अभी 1 टाइप की कॉफ़ी बनाई है, यहाँ मैं बना रही हूँ हॉट कॉफ़ी। तो इसमें मैंने यहाँ डाला है 2 टीस्पून, ओनली 2 टीस्पून मैंने यहाँ पे जो ये झाग बनाया कॉफ़ी का, जो ये बनाया है डालगोना कॉफ़ी, तो इसमें 2 डाल देने हैं, 2 चम्मच मैंने डाल दिया है। और यहाँ डाला है उबले हुए दूध, एकदम बॉयल्ड मिल्क है, और इसको आप डाल दो। और मैंने थोड़ा सा इसमें कम डाला है, आप इसको क्या है कि कम ज़्यादा कर सकते हो आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग। देखो कितनी फ्रोदी फ्रोदी वाली कॉफ़ी बनी है, आप देख सकते हो। तो मैंने थोड़ा सा इसमें और डाला है, थोड़ा बिटर टेस्ट चाहिए तो आप इसमें और एक्स्ट्रा कॉफ़ी भी ऊपर से डाल सकते हो। तो मैंने ये थोड़ी सी 1 टीस्पून और डाल दी है, उसके ऊपर मैंने थोड़ा सा बिटर टेस्ट के लिए थोड़ा कॉफ़ी भी डाल दिया है। अब इसको मैंने अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया। आप अगर चाहो तो इतना भी पी सकते हो, ये भी बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। अगर आपको ज़्यादा बिटर नहीं खा पीना हो तो आप ये भी पी सकते हो। फिर देखो आप, मैंने इसको मिक्स कर दिया है, कितना ज़्यादा फ्रोदी हो गया है और कितना ही अच्छा ये बन गया है, आप देख सकते हो। और फिर मैंने थोड़ा सा इसमें और डाला है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम और ज़्यादा कर सकते हो। तो ये हमारी बन गई हॉट कॉफ़ी। अब मैं आपको बताती हूँ इसी कॉफ़ी से आप कोल्ड कॉफ़ी भी कैसे बना सकते हो। तो ये हॉट कॉफ़ी की रेसिपी बन गई है। अब दूसरा आप देख सकते हो, मैंने यहाँ पे ग्लास लिए हैं, 2 आइस डाल दिए हैं, और जो वो मिक्सचर था वो मैं डाल दिया, और मैंने यहाँ पे चिल्ड मिल्क डाल दिया है। और देखिए ये हमारी कोल्ड कॉफ़ी रेडी है। और ये तीसरे तरीके से बना सकते हो। सबसे पहले ग्लास से मैंने यहाँ पे चॉकलेट स्प्रे, चॉकलेट जो होते हैं ना सिरप, उससे मैंने ग्लास को डेकोरेट कर लिया है। फिर ये जो कॉफ़ी का जो बना के रखा था वो मैंने इसमें डाल दिया है 2 चम्मच, और उसके बाद मैंने यहाँ पे डाल दिया है एकदम चिल्ड मिल्क। आप, मैंने दूसरी वाली में आपको आइस वाली बताई थी, तो यहाँ पर आइस डालने की ज़रूरत नहीं है आपको, यहाँ पर चिल्ड मिल्क ले सकते हो। तो ये देखिए मैंने पहले ग्लास को इस तरह से अच्छे से मैंने चॉकलेट सिरप से इसको वो डेकोरेट कर लिया, आप देख सकते हो इस तरीके से, कुछ इस तरीके से मैंने इसको डेकोरेट कर लिया है। और फिर इसको इसमें मैंने डाल दिया है ये डालगोना जो बना के रखा था, इसको आप आराम से स्टोर कर सकते हो, 2-3 दिनों के लिए आराम से स्टोर हो जाएगा। अब ये मैंने एकदम चिल्ड इसमें डाल दिया है मिल्क, फिर देखो आप कितना ही फ्रोदी हो गया है, आप देख सकते हो। और फिर मैंने चॉकलेट सिरप से इसको पूरी तरह से ऊपर से गार्निश कर दिया है। ये लीजिए आपकी कोल्ड कॉफ़ी रेडी। बाय बाय।